जीत के बाद पहली बार चंदला पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। बताया गया है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो लोकसभा से सांसद विष्णुदत्त शर्मा शनिवार को चंदला पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह टेंट लगाकर प्रदेश अध्यक्ष और सांसद का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। अलग अलग स्थानों पर नवनिर्वाचित सांसद का तुलादान भी किया गया। वहीं चंदला स्थित राजन मैरिज हाउस में प्रदेश अध्यक्ष ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खजुराहो लोकसभा से हुई प्रचंड जीत पर क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि जिन 151 बूथ पर भाजपा को हार हुई है उन बूथों पर समीक्षा की जाएगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, तो विपक्ष के सांसद अब जीतने के बाद भी दिखाई नहीं देंगे। मगर वीडी शर्मा और दिलीप अहरवार हमेशा आपके साथ हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के आगमन के पूर्व नगर के समाजसेवी अशोक शुक्ला द्वारा अनोखा प्रदर्शन किया गया। आज चंदला विधानसभा के सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों का, मतदाताओं का अभिनंदन का कार्यक्रम था। लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत से जो जनता ने आशीर्वाद दिया है, कार्यकर्ता की अथक मेहनत से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इतिहास बना है, इसे आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन सभी कार्यकर्ताओं का और मतदाता भाई और बहनों का आज अभिनंदन किया, उनका धन्यवाद किया। भाई साहब, जैसे दूसरी बार जनता ने मौका दिया है, फिर से आपने इस बार क्या विकास इस क्षेत्र में होगा? इस बार विकास तो होगा ही, स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर, स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा के बारे में, और भी हमने कई प्रकार के इस बार एक नया विजन खजुराहो लोकसभा के लिए, चंदला विधानसभा के लिए, सभी विधायक यहाँ के हमारे विधायक कैबिनेट के मंत्री भी हैं, तो इस बार नए आयामों के साथ चंदला विधानसभा में भी विकास को चार चांद लगेंगे। बाईपास के लिए भी करेंगे, सब मिलेगा, चिंता मत करो। यहाँ पर सबसे ज्यादा राजस्व वसूला जाता है हमारे क्षेत्र से, तो पलायन रोकने के लिए क्या व्यवस्था? पलायन रोकने के लिए भी औद्योगिकीकरण हो, ये हमारा प्रयास है और हमने इसको लेकर के शुरुआत की है।